नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। I'm not.
डाकधारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च सबसे पहले सभी चाहने वालों को राजेंद्र मोदी और अविनाश शाही का नमस्कार, नमस्कार। अच्छी फिल्म बनी है, हमारी शुभकामनाएं हैं। फिल्म सुपर डुपर हिट हो और बहुत तकलीफों के बाद, बहुत गर्मी के बाद, बहुत परेशानियों के बाद जब एक फिल्म बनती है तो टीम के सभी सदस्य चाहेंगे कि फिल्म अच्छी चले, उनका हौसला बढ़े, वो आगे और फिल्में बने। जी मैं भी इस फिल्म में हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ तो वहीं काम कर रहा हूँ। वक्त की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा क्या, जब टाइम रहता ही तो कैसे करूँगा। अभी लास्ट कृष्णाष्टमी रिलीज हुई, अभी दो हिंदी रिलीज है मेरी, एक फेमस स्टूडियो वालों की शादिस्तान है, के मेनन, कीर्ति गुलारी और मैं, और निविदिता भट्टाचार्य हम लीड में कर रहे हैं। फिर एक डिसेंट बॉय है, गोविंद नामदेव, रवि किशन और मैं कर रहे हैं। फिर एन महाराजन की तमिल फिल्म आ रही है, एक मनोज की मलयालम फिल्म आ रही है, तो यही बस 4-5 फिल्में हैं जो अभी रिलीज पे हैं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रत्नेश यादव जी, अशोक शुक्ला जी, और ये अपना जितना टीम है सब अपना ग्रुप है, अमरीश सिंह, कुणाल तिवारी, राजन भैया। तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, एंटरटेनिंग है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छी छवि वाली फिल्म बनी है जो हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है। और फिल्म बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है और बहुत मेहनत के बाद, एक मशक्कत के बाद एक चीज़ बनती है। तो मैं ये अपील करूँगा अपने दर्शकों से, भोजपुरी वालों से, कि भाई जैसे सारे लोग साउथ के हैं, गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के हैं, इवन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, सारे लोग अपने भाषा के फिल्म को, जो कल्चर की फिल्म है, उसको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और दुलार जो दे रहे हैं वो आप लोग भी दीजिए अपने आर्टिस्टों को, अपने कलाकारों को। जो भद्दी भद्दी कमेंट्स आ रही है ऐसा ना करें, क्योंकि आप प्यार दुलार देंगे, आशीर्वाद देंगे, घर में अगर किसी की तारीफ होगी तो ही बाहर वाला तारीफ करेगा। तो अपनी फिल्म को आप सिनेमा हॉल में देखिए ताकि अच्छी फिल्में बने और हम आर्टिस्ट, हम कलाकार मेहनत के साथ काम करें, क्योंकि हमारा भी बेसिक जिंदगी यही है। आप लोग मोबाइल पर फिल्म देखेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फिल्म नहीं बन पाएगी अच्छी, और फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाइए और अच्छी फिल्म को देखिए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और अच्छे कलाकार का तारीफ कीजिए, कमेंट्स कीजिए उसको, उसके काम को बढ़ावा दीजिए ताकि वो अच्छा काम कर सके, अच्छा वर्क कर सके। तो ये फिल्म के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट मूवी जो है, आज मुहूर्त हुई प्रेम कैदी की, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस ऐसे ही भोजपुरी में अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहे, यही मैं चाहूँगा। जय हिंद, जय भोजपुरी। हाँ, मैं सबको बता दूँ कि अभी ठीक 9 बजे मेरे फिल्म का यूट्यूब पे नागधारी का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसी की आज पार्टी चल रही है पूरी इंडस्ट्री, हमें साथ में प्रीति ध्यानी और पूरी इंटायर टीम हमारी जो नागधारी की, उसको आशीर्वाद देने के स्वरूप समक्ष आज गुरु पूर्णिमा के दिन नागधारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसे आशीर्वाद देने के लिए सब लोग जमा हुए और बहुत आशीर्वाद दिए। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होंगे हमारी फिल्म नागधारी के और उसी तरह सुपर डुपर हिट होगी थिएटर में। अच्छी फिल्म बनी है और हमने इलाहाबाद में शूटिंग किया, उसके बाद सिलवासा किया, थोड़ी कठिनाइयां आई क्योंकि हमारी टीम में इतनी पावर थी, हो सकता है नाग देवता का पावर था जो हम लोग उसी तरह मेहनत कर रहे थे और दौड़ भाग कर रहे थे और सबने अपने मेहनत से काम किया। खास करके इस फिल्म की जो नायिका हमारे साथ में बैठी प्रीति ध्यानी जी, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, प्रवीण गुदरी जी के साथ में काम करके बहुत मजा आया, राजन मोदी जी के साथ में काम करके बहुत मजा आया। हम लोग इलाहाबाद से 40-45 किलोमीटर एक गांव में जाया करते थे शूटिंग करने, गंगा जी के किनारे, तो मुझे याद आता है कि बहुत धूप थी, एक दिन तो इतनी धूप थी कि हम एक गांव से गए और वो छाछ जो है मांगने लाए और खूब पिए और खूब मजा आया। तो ऐसे ऐसे भी हमने मस्तियाँ की और काम किया, बहुत मजा आया और बहुत अच्छी सराहना हो रही है नागधारी फिल्म के ट्रेलर का। तो इसी तरह मैं चाहूँगा फिल्म का भी हो, उसे देखें लोग। ये जैसे कि आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, ऑफकोर्स सेंसर में है ये, तो
अगस्त या सितंबर में रिलीज होगी फिल्म। हाँ जी, पहले तो सभी भोजपुरी दर्शकों को प्रीति ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। हाँ जी, आज जैसे कि हमारे नागधारी ट्रेलर रिलीज हुई है और ट्रेलर जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर बना हुआ है। जिस तरीके से हमने मेहनत की है, वो रंग लाई है इस ट्रेलर को देख के, ऐसे लगा है। जैसे कि फिल्म रिलीज होती है, और फिल्म रिलीज हुई है नाग नागिन पे बनी हुई है, लेकिन ये फिल्म जो है नाग नागिन पे बनी है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट फिल्म बनी हुई है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें नजर आएगा। आप लोगों ने मेरी पहली फिल्म देखी होगी माई रे माई हमरा वही लाइक की चाहिए, और उसमें आपने बहुत प्यार आशीर्वाद मुझे दिया, जिस तरीके से व्यूअर्स और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला उस फिल्म का। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देना, बल्कि उससे ज्यादा प्यार देना, और सबसे ज्यादा प्यार इन्हें देना है। बिल्कुल इन्हें ही नहीं, हम सबको देना, हम सबको बहुत जरूरत है, सबका प्यार यही इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल पिटारा में बंद कर लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है। केके भैया मेरे बड़े सीनियर एक्टर तो इंडस्ट्री के ही हैं, लेकिन मैं इनको गुरु समान भाई मानता हूँ, और हमेशा मैं इनसे जब भी कोई सुझाव लेता हूँ अच्छे बुरे का, तो मुझे अच्छा ही सुझाव देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है प्रीति जी। हाँ जी, मैं बहुत मतलब कुछ भी ऐसी होती है, हम लोग कई शो कई इवेंट साथ में किए, कई फिल्में साथ में की, अभी लव मैरिज हमने साथ में किया, आपको भी याद किया था। अच्छा। बट आप थोड़ी इंगेज थी तो लव मैरिज में हमने बड़ी मस्ती के साथ काम किया, और मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जब हम काम करें तो जैसे हम अपने फैमिली में मस्ती करते हैं, उसी तरह मस्ती के साथ एक बेहतरीन और अच्छी फिल्में में काम करें। बिल्कुल, क्योंकि हम इतना 15 days, 20 days, 1 month हम इस फिल्म को देते, कोई भी फिल्म को, तो और हम एक इंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो बहुत अच्छी फिल्म बन के आती है। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का सपोर्ट ना हो तो फिल्म ना बने, लेकिन उसके साथ मुझे लग रहा है ये अपोजिट था। यहाँ एक्टरों का बहुत सपोर्ट था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर, खैर डायरेक्टर तो हमारे ही थे, लेकिन हम सब इकट्ठा मिलके प्रोड्यूसर को बहुत सपोर्ट किए। रीजन ये था कि हाँ रियली हम, मुझे पता है कई कई दिन हम बेड टाइम का खाना नहीं खा पाते थे, रीजन ये नहीं था कि खाना नहीं था, लेकिन खाना 40-45 किलोमीटर दूर से आने में वो बेड टाइम हो जाता था, क्योंकि हमें वो लोकेशन ही चाहिए, गंगा का घाट जो किनारा था। ये एज ए हीरो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट जी बिल्कुल, और हम एक दूसरे भैया एक दूसरे को हम लोग एवरीडे हम लोग साथ में खाते थे, लेट भी हो चाय भी पीते थे साथ में, गाड़ी में 3 घंटा सफ़र करके इलाहाबाद से जाते थे, तो बहुत ही जो प्रोड्यूसर है उनका सपोर्ट रहा। डायरेक्टर तो माइंड ब्लोइंग, वो मुझे लगता ही नहीं था कि वो डायरेक्टर है, वो ऐसा लगता था कि हमारे जैसे वो भी एक्टर है, हम सब मिलके काम किया करते थे, और रोज एवरीडे हम दूसरे दिन का डिस्कशन भी किया करते थे, तो बहुत मजा आया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काम करके, मैं चाहता हूँ इनके साथ और भी काम करूँ। होल एंड सोल हम यही कहेंगे कि हमारी मेहनत इस ट्रेलर में दिखाई दी है, और ज्यादा मेहनत जो है वो फिल्म में जरूर दिखाई देगी, तो आप लोग जरूर जाना दर्शक, और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देना। थैंक यू। और बहुत जल्द हमारे मेरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड से फर्स्ट लुक रिलीज होने वाला है, सो उसके लिए भी सुपर एक्साइटेड हूँ मैं, सो बहुत जल्द आप लोगों को उसका फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। अभी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती मूवी के बारे में, सो आई एम एक्साइटेड। सब कुछ सरप्राइज ओके जी। नमस्कार, हमें अमरीश सिंह, और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जिस प्रांगण में है उस प्रांगण में एक नए प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।